तो भाई किसी ने मेरे को ये ब्रेसलेट ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपके चैनल। आई होप ठीक होगे। मैं बहुत बढ़िया सेक्शन का पीस एक नंबर। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा सा है, सीन थोड़ा सा डगमगाया चल रहा है। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं अपने चैनल पे ना तो ब्लॉग अपलोड कर पा रहा हूँ, ना फिर प्रैंक कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी खराब से चल रही है। बाकी कोई नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। दो चार दिन की बात हो रहा है, शायद मैं डेली ब्लॉगिंग भी शुरू कर दूँ, हो सका तो। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, बाकी सब सॉर्ट हो जाएगा थोड़े बहुत दिन में। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम जा रहे हैं भाई मूवी देखकर, मूवी गदर 2, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, लगी हुई है, एक हफ्ता हो गया, और रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा आ रहा है। पर मैं उस टाइम जाने वाला था, मैंने चेक करी थी टिकट वगैरह, पर भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़, और तुम्हारा भाई भीड़ का आदमी ना है, अकेले चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मूवी देखने। खुशी ने शायद टिकट वगैरह बुक कर देंगे उसके फ़ोन पे, और जाके मिलते हैं आपको कहाँ पे, जो भी करेंगे। तो भाई तुम्हारा भाई तैयार तो रोके, गाड़ी ठाकर लिकट आया, खुशी आने लग रही है, कुछ सामान लेने लग गई उस तरफ, उधर वाली दुकान पर, उस वाली दुकान पर कुछ सामान लेने गई है वो, वो सामान लेकर आने लग जाए, फिर कुछ तो मिलवाता हूँ। तैयार तो रो चुका हूँ, टाइम है हमारे शो का, घड़ी भी ना मेरे पास पूरा, बाद में घड़ी ना बांध का आया, तो टाइम हो रहा है 3:43, और हमारा शो है 4:30 बजे का। हम थोड़ा सा पहले निकल गए, क्योंकि हम मिस नहीं करना चाहते थे, जो गदर मचेगा वो गदर दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो अभी खुशी आने लग रही, फिर खुशी तो मिलवाता हूँ, और कमेंट करके बताओ तुम्हारा भाई लग कैसा रहा है। बस थोड़ा सा वाइट वाइट ज़्यादा दिख रहा हूँ ना, मन नहीं लग रहा है ना, वो सूरज की रोशनी को देता है। ठीक है, आई एम ऑल सेट। चलो, मुझे ना बहुत तगड़ा गिफ्ट मिला, मेरा ना काफ़ी दिन तक वैसा संबंध था कि ऐसा कुछ गिफ्ट मिल जाए तो कैसा हो। तो अभी हमारे फ्रेंडशिप को 1 साल पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में तुम्हारी खुशी दीदी ने पता है मुझे क्या दिया? मैं नहीं बताऊंगा। तो तुम्हारी खुशी दीदी ने मुझे दी रशियन घड़ी। भाई थोड़ा कम बोल अगर तू, रशियन घड़ी बकवास कर रहा। तो तो तुम्हारी खुशी दीदी ने मुझे गिफ्ट में दिया है, मैं नहीं बताऊंगा। बता देता हूँ। चलो बैक कैमरे दिखा देते ना ले। हाँ। शगला का बूम बूम। ये तुम्हारी कोशिश ने मेरे को ब्रेसलेट गिफ्ट करा भाई, कमेंट करके बता दो कैसा लग रहा है। मस्त लग रहा है ना, थोड़ा दूर तो पढ़ाया करो। तू भी सुंदर सुंदर हो गया। तो मैं हूँ सुंदर, हो गया क्या होता है, बीच में गंदा सा हो गया। मर्द की सुंदरता उसके पैसों से होती है, जो कि तेरे पास है नहीं, पर फिर भी तो है। मेरे पास है नहीं, मैं फिर भी सुंदर हूँ। कोई नहीं, जैसा भी है, हम ठीक है भाई। तो भाई किसी ने मेरे को ये ब्रेसलेट गिफ्ट करा, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। ज्यादा लूज लग रहा है ना, कमेंट करके बता दो, फिर इसको ठीक करा लेंगे अगर लग रहा होगा तो। लग रहा है, इसका एक बुक करवा लियो छोटा। ठीक है, थैंक्स गाइस। अब इसको भी गिफ्ट देना पड़ेगा बदले में कुछ ना कुछ, सारा ये और खर्चा आ गया। अरे पहले ही पैसा ना है, अब ये और करता आगे, तब रिटर्न गिफ्ट करना पड़ेगा। कोई नहीं करता, इसके बहुत आदमी चल रहे। क्या दिक्कत है तेरे हाथ में चल रहे इतने? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? निकम्मे, मैं नहीं। पर हाथ क्यों चल रहे? मैं इतनी बड़ाई कर रहा हूँ, तेरी तूने मेरा गिफ्ट करा, ये इसका हाथ चल रहे हैं आगे, मजा इसका खुद का हाथ यहाँ लग गया। आया मजा, जाना जाके ठूसा गोड़ गप्पे, ये गाड़ी लगा दे पीछे ही, फिर पैदल आ जाएंगे इधर घूमते घूमते ना, का ना जीवित लेके आने तो फिर टाइम तो देख लेगा। दे 4-5 हो है ना गोलगप्पे खा के, फिर तो 4-5 तो ही गए, तो यो घर रहे आए बे कर ना जिना ले आऊंगा। चलो भाई, तो इसको फटाफट गोलगप्पे चढ़वा देता हूं, सॉरी खिलवा देता हूं, और फिर इस कान्हा जी को उठा लेते हैं। कान्हा जी नहीं, गोकू। हां गोकू। एक है ना, हम हमारे पास एक नया मेहमान आया आज, मिलवाते मिल लिए, ये नहीं मिले ना तो मिलवाते, एक सेकंड गोलगप्पे खा लेते। इतना बड़ा गोलगप्पा एक ही बारी मुंह में डाल जाती है तो। अच्छा ठीक है, खा ले। कैसे हो भैया? बढ़िया भाई। ये भाई ना हमें देखते हंसने लग रहा था कि आगे अब फिर खा के जाएंगे 100-150 रुपए गोलगप्पे। हम लड़ते रहते हैं इनके आगे, इनके आगे काम वैसे लड़ते रहते हैं। हम सब क्या आगे लड़ते रहते हैं, हमारा कर्तव्य है लड़ना। देखिए कि बड़ा मुंह खोल रही है गोलगप्पे के, वो दे भाई असर है। ठीक चल रहा है भाई काम? इसको जान से मार दूं? है भाई जान से मार दूं इसको? नहीं, वो देख मना कर रहा है। फटाफट खा ले फिर चलते हैं। मेरे लिए भी कमेंट कर रखा, इसे 1 साल में कितनी बार लड़े हो, कितने ब्लॉक आए ये वो। 1 साल में 365 दिन भाई, हम तो रोज लड़े। 365 दिन जान से मारने से अच्छा बातों से मार दो।
ठीक है ये देख रहे हो भाई, रील बनानी पड़ेगी तेरी तो भाई, गाना लगा के तो काले फटाफट चल, टाइम होता जा रहा है। तो भाई ये चल ले फिर गोकू को उठा के लाते और फिर चलते हैं मूवी देखने। भाई देख क्या असरा है, भाई देख का असरा था कि काय की वीडियो बनाने लग रहा है छोड़ा, अब क्या बताएं क्या बनाने लग रहा है। तो खा ले फटाफट फिर चलते हैं गोकू को लेने। तो भाई आ गई है, ये क्या रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे तूने, कितने कलर तेरे इसमें, एक दो तीन चार, अगर मैं देख मैं तेरे तक कहने लग रहा, मैं खुद भी तो पहन रहा हूँ। तेरा तेरा कुछ ज्यादा चमक रहा है, इतनी गोरी कैसे होती जा रही, क्या खा रही है? हाँ येलो करना होता है ऑडियंस से। हेलो गाइस, इसको ना सब चीजें क्या क्या करवानी पड़ती है वो जाते हो। तो भाई टाइम हो रहा है 4:01 मतलब 4:01 और हमारा शो है साढ़े चार का, इससे क्या हो जाएगा ऐसे करने दे। तो उससे पहले मूवी में जानते पहले इसको चाहिए कुछ खान का, तो इसके लिए हम यहाँ पे आए गोलगप्पे वाला, मैं एक सेकंड बैक कैमरे दिखाता हूँ। इसके गोलगप्पे इसे ना बहुत पसंद है, सोनीपत वाला भाई कोई देख रहा हो तो इसे कर दिया ना। हाँ तो करिए। हाँ दे आओ। जाने मिल रहे खान में। कई बार मिला ही हमारा जब कहोगे लोग दीदी अब दोनों ना मीटअप रख लो मिलने आओगे आप तो, मैं कहें एकदम मैम दिखेंगे उड़े कोई नहीं आता, मैं बोले नहीं सच में आ जाऊंगे मैं खत्म है काम। तो एक काम करो ऑडियंस से पूछो, तो भाई ये थिएटर के सामने ये गोलगप्पे वाला उसका फेवरेट है, ये वाली फिल्म देख आएंगे दी मैं सन्नी पाजी मुंह खोल के खड़े हैं। अच्छा गोलगप्पे मांग रहे हैं सन्नी पाजी में कह रहे खुआ दो गोलगप्पे। एक चीज दिखाऊं तुम्हें गाइस, मुझे आज ना गिफ्ट मिला, एक सेकंड बात करता हूँ पहले। तो भाई हमेशा की तरह कुछ लेट करा इसने आज, फिर टाइम हो रहा है 4:30 और हम थिएटर से हैं, एक सेकंड रुक जा मिलवाता हूँ, एक सेकंड रुक जा, हम थिएटर से हैं कुल 1 मिनट की दूरी पे, फटाफट गाड़ी लगाते हैं और थिएटर में एंट्री करते हैं। गोकू से भी मिलूं बाद में, ये है एक बार शक्ल देख लो, इनके बारे में ना संक्षिप्त वर्णन में मूवी के बाद बात करते हैं ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में गाड़ी चलानी और ब्लॉग भी शूट करना है। बस अब इनको ना हेलो और गुड इवनिंग बोल देना ठीक है। ओके गुड इवनिंग, चलो चलते हैं फटाफट, क्योंकि कुछ ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ आज मैं, क्या बात। मिलते हैं अंदर। मेरी ना भूलने की आदत, किसी दिन बहुत तगड़ा नुकसान करा देगी मेरा, इंटरवल हुआ था अभी मेरा दिमाग में एकदम ऐसे घंटी बजे, मतलब तुम्हारी बस्ती में ना कई बार के शायद तू लोक ना कर पाया गाड़ी या फिर तू घर का लोक नहीं लगा पाया, वो बड़ा झटका हो गया मेरी गैल। तो अभी गाड़ी देखना है, एक मिनट रुक जाओ, लोक थी वो देखो कड़ी ये लाइट ऑन लोक थी पर मेरा नो एकदम तो होता नहीं ऐसा कि शायद मैंने लोक ना करी, तो वो देखना आया था। ऊपर चलते हैं, इतना कुछ ऑर्डर वोडर करने लग रही है कुछ खाने का, ऊपर जाके मिलता हूँ एक सेकंड। ऑर्डर ही नहीं किया था इसने अभी तक, अब ऑर्डर करने लग रही है जब मैं आया हूँ, तो ऑर्डर कर दिया है, ऊपर चलते हैं खाते हैं कुछ और एक बार वहाँ आया हूँ जो तुम्हें दिखा नहीं सकता एक सेकंड। बहुत ज़्यादा खर्चा ये अपने गोकू के लिए लेके जा रही है खाने का, मेरे लिए ले लिया आके बताएंगे चले, हमें ले लिया और ऊपर जाके बैठते हैं इसके, सही लग रहा ना मेरा हाथ, ब्रेसलेट देखिए पहली बार तेरी कुछ चीज पसंद आई मैंने, अभी चलते ऊपर मूवी शुरू हो गई शायद जाके देखते हैं। हाँ काफी दिन तक मैं सोच रहा था कि मेरे तक कोई दे दे गिफ्ट दे दे, तूने दे दिया, चलो भाई मूवी शुरू होगी, चलो चलो चलो। कितने दिन हो गए आज मूवी लगे, हफ्ते से ऊपर होगा, हफ्ते तो ऊपर होगा फिर भी शो फुल चल रहे हैं, कैसी लगी कैसी लगी कैसी लगी रिव्यू, बहुत अच्छी मजा आ गया। तो भाई मतलब आज शायद छठा या सातवां दिन मूवी लगे और भाई शो फुल, मैंने कहा था ना पर स्टार्टिंग के हिसाब से भीड़ कम थी, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे सब जाम हो जाता था, नीचे गाड़ियाँ जाम जाम, इधर लाइट ठीक आ रही है। और आज की रिव्यू दूँ
तो पब्लिक सब खुश होकर जाती है, मतलब एक भी इंसान के तुम ना सुने के कुछ गलत आया गंदा था, कुछ भी नहीं, बहुत तकड़ी, मतलब मूसली देवल है ना, किसी में साड़ा एडमिन को काट दिया, किसी में खंबा था बिजली का खंबा पाट दिया, अगली में पाकिस्तानी पाट देगा, नो हेट पीस। लड़ाई झगड़े में क्या ही रखा है, तो चलते हैं गाड़ी में और गोकू के बारे में बात करते हैं, रह गई थी ना अपनी, वहाँ जाके करते हैं 1 सेकंड। तो भाई हम पहुँच गए हमारे सोनीपत के पिज़्ज़ा, इसको यहाँ का ही पिज़्ज़ा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, कई बार तो रात को 11-11 बजे फ़ोन करने को कहती है गुरु पिज़्ज़ा, एक दिन 11:40 से फ़ोन कर रही गुरु पिज़्ज़ा के खाना है वहाँ कौन सा, कहती भाई सो जा, यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा है ना, गोकू की बात जो करनी है ना वो गाड़ी में जाए करता हूँ, जो खा लूँ पहले आएगा दिखा दूंगा तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा देख के। और इसकी जो तुमने कहा था ना कि गुरु भाई इसके बारे में जो कहानी है फ्रेंडशिप के बारे में बतानी है वो भी बताता हूँ, इसमें नहीं वो अलग वीडियो में बता, जो सारे क्वेश्चंस का लगाए थे ना, सो लगाए थी उसकी वीडियो अलग बना देंगे, ठीक है, इसमें अभी तुम इसी पर बने रहो, इसके बारे में बात करते हैं, चलिए गाड़ी में, ठीक है, तो सर देख लो इसमें भी आ रहे हैं, फूट गई कितनी देख लेते दिखती है, तो भाई वहाँ तक पिज्जा छेद के और आगे खुशी की गली में, इसको एक काम है छोटा सा घर पे वो करकारी भाग के, और फिर उसके बाद इसके बारे में बातें करते हैं जो बात करनी थी, बहुत टफ जगह पर गाड़ी चला रहा तुम्हारा भाई इस समय, टफ ही है, इधर गाड़ी उधर गाड़ी जिसकी लग गई ना, अच्छा इधर गाड़ी क्या हुआ, आपका दोस्त कौन, अच्छा डेला वही, इसका यही काम है, तो अब ये घर जा रही है एक बार और फिर अब आके मिलते हैं, तो फिर बताते हैं जो भी सीन था, चल चमर ले यहाँ पे चिढ़ जाती है, तो चलो ये आती ना फिर मिलते हैं, मुंह कैसा हो गया तेरा, कैसा लाइट आके सही पर, ओह नाइस, यहाँ तो मैं भी सुंदर हो गया, तो हम सारी बात छोड़ते हैं, गोकू की बात उठाते हैं, क्यों और कैसे आया ये हमारे बीच में, और हमने इसका प्रैंक या सॉरी प्रैंक किया ब्लॉग या फिर वीडियो क्यों नहीं शूट कर पाए कोई भी, तो सुनिए खुशी मलिक जी की जुबानी, बताइए जी, तेरी की ये तो साफ मना कर रही है, मैंने पता ही ना लाइट हो जाता, नहीं पता होगा, मतलब एकदम इनको नहीं पता था कि मेरे को लेके आने है, मैं एकदम लिख गई थी इनको, इनको पता भी नहीं था कि इनको कहाँ लेके जा रहे हो, मेरा मन कर रहा तो मैं ले आई एकदम, इसका ना काफ़ी टाइम तक मन था कि मैं कान्हा जी लेके आऊँ अपने घर पे, क्योंकि मेरी भांजी के पास भी है, मेरी बहन के पास भी, मतलब हमारे घर में दो हैं ऑलरेडी पहले भी, तो इसका भी काफ़ी टाइम से मन था, मेरे से मिलने से पहले शायद है ना, तो इसका मेरे से मिलने से पहले से ही मन था कि मैं कान्हा जी लेके आऊँ घर पे, तो एक दिन फ़ोन आता है इसका कि गुरु मार्केट चल जा रही हूँ, चल रहा है गैल, मगा भाई चल पड़ेंगे, तेरे तो ना कैसे कर सके हम, तुम बदमाश आदमी, क्या आता है इसका मुंह क्यों बन गया मेरे समझ नहीं आ रही, तो फिर हम इसने मेरे को पिक किया, हम सीधा मार्केट गए और रात को 8-8:30 बजे के टाइम होगा, 8 बजे का रात को कुछ नहीं करा हमने, सीधे गए मेरे को बोलते गुरु कौन सा मकाई है, देखते ही मैंने मकाई है लाइक 10 या 12 पीस में से 8 या 9 पीस में से एक मेरे को देखे मकाई है, फिर सब सामान लिया फटाफट, फिर जरा ये कहती गुरु नाम क्या रखो, कन्नू रख दो, इसकी कहानी मेरे को बतानी पड़ रही है, अपने चैनल पे डालते ना बहुत तगड़े व्यूज आते, तो इस तरह कुछ सीन हुआ था, तो आज का व्लॉग ये जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो और इसके चैनल को भी जाके कर दो खुशी मलिक ब्लॉग्स के नाम से, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।